अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम हमना शफीक है, मैं नेशनल इनोवेशंस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन पेश करूँगी इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर। जो इंडिया और चाइना है, इन्होंने हिस्टोरिकली एक पीसफुल रिलेशन बना के रखा था। ये जो दो नेशंस इंडिया और चाइना हैं, इन्होंने एक दूसरे के बीच में इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल रिलेशन काफ़ी अच्छे से निभाए। जो सिल्क रोड था, वो एक मेजर ट्रेड रूट था इंडिया और चाइना के बीच। जो इंडिया और चाइना हैं, ये एक बॉर्डर भी शेयर करते हैं, जिसको हम मैकमहल लाइन या LAC कहते हैं। जो मैकमहल लाइन है, इसका नाम पड़ा है सर हेनरी मैकमहल के नाम से, जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश रन गवर्नमेंट, यानी उस टाइम की गवर्नमेंट में जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल करती थी। और ये एक मीडिएटर भी थे, जिसको हम गोविंद सिंह कहते हैं, शिमला में। जो इंडिया और चाइना है, ये एक रीजन भी शेयर करते हैं, जिसको हम कश्मीर कहते हैं। जो इंडिया कश्मीर का रीजन लेता है, उसको हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कहते हैं। और जो चाइना के पास कश्मीर का ऑक्यूपाइड हिस्सा है, उसको हम अक्साई चिन कहते हैं। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडिया और चाइना थी, इन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया जापान के प्रोसेस में। उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, इसने एक काफ़ी अच्छा रिलेशन रखा चाइना के साथ। और जो मॉडर्न रिलेशनशिप थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसको हम साइनो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशन कहते हैं, जो 1950 से स्टार्ट हुई। और 2008 और 2021 के बीच में चाइना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। लेकिन ये जो दो कंट्रीज थी, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को संभालने में नाकामयाब रही। और जो इंडियन ट्रूप्स थे, वो बार बार यही रिपोर्ट करते थे कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, वो इंडियन टेरिटरी में अटैक या फिर रेड करते हैं। और जो ये रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं तीन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर। सबसे पहला सीनो इंडियन वॉर, जो 1962 में हुआ था। दूसरा नथुली एंड चोला, जो 1967 में हुआ था। तीसरा और लास्ट, जिसको हम सुन डोरम छू फाइट कहते हैं, जो 1987 से लेकर 1988 तक हुई थी। लेकिन उसके बाद ये जो दो कंट्रीज थी, इन्होंने फिर से सक्सेसफुली अपना जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको संभाला और अपना इकोनॉमिक, कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफ़ी अच्छा और मजबूत किया। लेकिन उसके बाद ये जो दो कंट्रीज थी, ये फिर से मुब्तला हो गई एक फाइट में, जिसको हम डोकलाम प्लेटू फाइट कहते हैं, जो 18 जून 2017 को हुई थी। जो एक पार्ट था ऑपरेशन जूनिपर का, जिसमें अबाउट 270 इंडियन ट्रूप्स बुलडोजर लेकर सिक्किम बॉर्डर क्रॉस करके डोकलाम प्लेटू में गए थे। क्योंकि इंडियन ट्रूप्स का और उनकी टेरिटरी का ये दावा था कि डोकलाम उनके अंडर आता है, लेकिन जो चाइनीज ट्रूप्स और टेरिटरी थी, वो इस बात से एतराज करती थी। उनका मानना था कि डोकलाम प्लेटू उनका हमेशा से है और उनका रहेगा ही रहेगा। और जो ये डोकलाम प्लेटू है, ये इसमें अपने जो इंडियन ट्रूप्स हैं, वो इसलिए इनको रोड कंस्ट्रक्ट करने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वो इंडियन ट्रूप्स की खुद की नॉर्थ ईस्ट रीजन में उनकी सलामती को खतरा था। जो मैंने आपके सामने अपनी ये प्रेजेंटेशन शेयर की, उसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल नेशनल इनोवेशंस पब्लिक स्कूल की, और उसके बाद स्पेशली अपने पॉलिटिकल साइंस मिस्टर अब्दुल रऊफ सर की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने का। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।